हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं दलजीत सिंह, नैशनल कोचिंग सेंटर मानसा। आपां कर रहे सी हिस्टरी दे टॉपिक पी एस टैट ते मास्टर ग्रेडर लई। पिछे आपां कीता जो हमलावर आए ने चंद्रगुप्त मौर्या दे साम्राज तों बाद, मौर्या साम्राज दा डिकलाइन हो जांदा। डिकलाइन तों बाद जिहड़े आ हमलावर आउंदे ने मध्य एशिया चों, ईरान तों, ओह मध्य एशिया वाले जिहड़े इंडो, किसी ने इंडो ग्रीक कहा, पारसियंस बोलिया, शक सी हूण सी, वह आप कर लिया वन बाय वन भी वो क्वेश्चन केड़े केड़े आ सकते हैं। हुण आप गल करांगे साउथ इंडियन की। साउथ में उस समय केड़े केड़े जिहड़ियां डायनेस्टियां सीगियां, जिहड़े वंश सी, केड़े केड़े वंशां ने राज कीता साउथ में, उहदे बारे करांगे अज आपां। सब तो पहला सानूं समझना जरूरी है कि साउथ का जिहड़ा आपां सीधा स्टार्ट करते हैं जाके 8वीं 9वीं सदी तो। आपां इह नहीं पढ़ते कि चोल है, पांड्या, चेर, ये वंश का पिछोकड़ की आ। उहदे बारे आपां थोड़ा जिहा करांगे कि पिछोकड़ की आ, क्योंकि जदों भी आपां चोल वंश बारे पढ़ते हैं तो चोल वंश का सीधा जाके आपां कहिंदे आ, जे कोई पुछदा तुहानूं कि चोल वंश का संस्थापक कौन सी तां दिमाग च आउंदा बिजलिया। तां बिजलिया उहदा संस्थापक नहीं सी हैगा। उस तों पहलां करीकला सी जिहड़ा, उह संस्थापक सी 190 ईस्वी विच, उहनें चोल वंश की जिहड़ी आ उह नींह रखी। उहदे बारे आपां करांगे। उस तों बाद चोल वंश नूं आपां दो भागां विच वंड सकदे हां। पहला वंश आया वो वंश नूं समुंदर गुप्त आउंदा, गुप्त साम्राज, एक जिहड़ा पूरे भारत ते जिहनूं नपोलियन बोलिया जांदा गा, समुंदर गुप्त नूं भारती नपोलियन बोलिया जांदा। वह आके वह डायनेस्टी है जिहड़ी चोल है उहनूं खत्म कर दिंदा। उस तों बाद वह फिर 8वीं सदी विच आके वह दुबारा प्रफुल्लित होकर अगे आउंदी है, जिहदा फिर संस्थापक वह कौन हैगा, वह बिजले आ। तां उहनां बारे आपां करांगे ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਂਡਿਆ, ਚੋਲ ਅਤੇ ਚੇਰ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਊਥ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਵੰਸ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਂਡਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਚੋਲ, ਤੀਸਰਾ ਚੇਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀਆਂ ਸੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੀਆਂ? ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ, ਦੂਸਰਾ ਚਾਲੁਕਿਆ, तीसरा चोल, चौथा पांड्या। पांड्या भी जिहड़ा मध्यकालीन तक चलता है। जो अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर नूं भेजदा तां पांड्या वंश ते उही ने जिहड़ा वीर ते सुंदर पांड्या राज कर रहे हुंदे आ। उह आपसी दोनों भाइयों की बनती नहीं हुंदी। अलाउद्दीन खिलजी का मलिक कफूर आ जिहड़ा उहते हमला करके देवगिरी उत्ते राज कर लैंदा। इह उह आ तो यह जिहड़े प्राचीन दे साउथ इंडियन ने, यह जिहड़े आ मध्यकालीन दे। हुण सब तो पहला आपां करांगे इन्हां नूं, इह किहदे विच आउंदे आ? इह आउंदे आ संगम वंश विच। इन्हां नूं आपां बोलांगे उत्तरी संगम, इह बोलांगे आपां संगम वंश। हुण जे गल करिए आपां इन्हां दे इतिहासक सोमां दी, कि इह जिहड़े आ वंश तिन डायनेस्टियां है। सब तो पहला कोई से भी आप जो वंश बारे गल करते हैं तो वह वंश के आपू इतिहासक स्रोतों बारे पता होना चाहिए कि इन्हों का इतिहास सानू स्रोतों को पता लग्या, वो कि हैजे है बुक्स ने जिन्हों तो पढ़ के इन्हों स्रोतों बारे पता लगे, कि अभिलेख ने या लेख ने जो ये डायनेस्टी बारे दसते हैं। तो यह डायनेस्टी बारे दसन वाले पहला सब तो पहला जो ग्रंथ हैगा तमिल च लिखा हुआ, वह नाम है तालपक्यम। की नाम है? तालकोप्यम। हिस्टोरिकल सोर्सेस
जे आपां साहित्य की गल करिए साहित्य विच केड़ा हुंदा गा तालपक्कीम तमिल विच लिखिया होया ग्रंथ है जिदे तो आपां नूं ये तीन डायनेस्टियां बारे पता लगता तौलकप्पियम सॉरी जे दूसरी गल करिए इपोग्राफी जिन्हों आप की बोलते हैं शिलालेख उस समय ये तिना डायनेस्टिया केड़िया सी चोल चेर और तीसरी पांड्या ये तिना डायनेस्टिया एक वंश सीगा उस समय का वो वंश सीगा खारवेल राजा खारवेल बारे तुम सुने हो किधर सी ये कलिंगा च कलिंगा वंश सी जरा उदे चेंदी वंश सीगा चेंदी वंश का सीगा कल खारवेल वो खारवेल का अभिलेख है जिदे तो ये तिने वंशा बारे पता लगता खारवेल का अभिलेख किहड़ा गा जिहड़े इन्हां तिने वंशा बारे पता लगता क्योंकि उन्हें इन्हां तिने वंशा नाल की है लड़ाइया लड़िया ता करके उन्हां बारे इन्हां विच लिखिया होया खारवेल दे अभिलेख विच। जे दूसरी गल करिए तीसरा साहित्यक सोर्सस किहड़े आ आपां नूं पता सिक्के हो गए उस समय दीआं मुद्रावां हो गईआं गहने हो गए ये जिहड़े सारे आ एक कितों मिले आ पुरातत्व खोजी जिहड़े हुंदे ने पुरातत्व खोजां हुंदियां ने उन्होंने जो खोज की इलाके की तो उतों ही चीज़ा मिली ने इस तो अलावा जो आप ला लीए मूर्तियां वगैरह उन्हों तो पता लगता है राज बारे सिक्के मिले जिहड़े सिक्के हुण किहड़े टाइप के हुंदे सी लैड के बने हुंदे सी सिक्के जिहड़े पहला उदो सोने के सिक्के नहीं जो ये डायनेस्टी सीगी तो उदो लैड के बनाए हुए सिक्के सीगे तो इन्हों तो आपां नूं ये डायनेस्टी बारे पता लगता चोल चेर ते पांड्या बारे। नैक्सट आपां करांगे इन्हां दे वन बाय वन इन्हां दे संस्थापकां बारे कदों कदों ये होंद विच आए ने वंश। हाँ जी सब तो पहला आपां करांगे जिहड़ा सब तो पहला सीगा चोल वंश आपां मैं तुहानूं पहलां दस के हटिया कि आपां चोल वंश है जिहड़ा हमेशा ही जिवें तुहानूं क्वेश्चन पुट करिए जां क्वेश्चन आ जाए कि चोल वंश का संस्थापक कौन सी तां सब तो पहला थोड़े दिमाग च आउंदा बिजलिया क्योंकि आपां मध्यकालीन चोल दे बारे गल कर रहे हैं इत्थे आपां गल कर रहे हैं प्राचीन चोल बारे जो सब तो पहला संस्थापक सी उहदा नाम सीगा प्राचीन वाला ये आपां प्राचीन चोलां दी गल कर रहे हैं कौन सीगा करिकला सन की सीगा इहदे स्थापना दा जिहड़े वंश है चोल वंश 190 AD ठीक है ता हुण जे आपां इहदी राजधानी की गल करिए राजधानी केड़ी बनाई सी त्रिचनापल्ली पहली जिहड़ी राजधानी सी इहनां दी त्रिचनापल्ली सी ते दूसरी राजधानी सी इहनां दी पुहार सॉरी इहदी राजधानी त्रिचनापल्ली नहीं सी उरियायूर उरियायूर पहली राजधानी सी दूसरी सी पुहार। जे गल करिए दे एरिए दी चोल वंश दे दी तां चोल वंश दा एरिया सारा ही करनाटका दा एरिया सी तां उस समय इन्हां नूं इक बंदरगाह लगदी सी इन्हां दा दूजी राजधानी बनाउण दा कारण भी इही सी कि इन्हां नूं जिहड़ी बंदरगाह लगदी सी ओह बंदरगाह राही इह दूजे देशां नाल दूसरे अपने जिहड़े इन्हां दे होर वंश सीगे उत्तरी भारत वल जे ला लीए दूसरे देशों ना ला लीए तो इन्हों का एक जिहड़ा की आ व्यापार चलता सीगा तो व्यापार चलाने वास्ते इन्हां ने यह दूजी राजधानी जिहड़ी आ पुहार बनाई सी ते उदों जिहड़ी मछलीपट्टनम सी प्रसिद्ध बंदरगाह सी उस समय यह बंदरगाह राही की करते सी ये जिहड़ा अपना व्यापार करते सीगे ठीक है। अगली गल करिए आपां इन्हां दी होर राजां दी तो इन्हां दूसरे जिहड़े राजे सीगे नालन किली ते किली वालम दूसरे राजा दा नाम आ जिहड़ा करिकला तो बाद होए नालम किली
सेकंड किली नालम, नालम किली ते किली वाला वन, सॉरी कि नाव धोखे तो है ये जेडे उस तो बाद दे दो राजे हुए ने। उस तो बाद आउंदा एक गुप्त साम्राज का टाइम, ये जी आप गल कर रहे हैं 190 तो लैके आप 300-350 ईस्वी पूर्व की गल कर रहे हैं। उस समय ही एक साम्राज आउंदा गुप्त साम्राज, उन्हां दा एक राजा समुंदर गुप्त होया। अगे आप गुप्त साम्राज करांगे जिन्हों भारती नपोलियन कहा जाता, वो आके इन्हों की साउथ डायनेस्टी है जी चोल वंश की, उन्होंने की कर दिता है खत्म कर दिता, और चोल वंश का एक बारी पूरी तरह खात्मा हो जाता। और इस तो बाद जो आप गल करिए इंपीरियल चोल, अगले जी आप जिदा बिजले संस्थापक उन्होंने बोलते हैं इंपीरियल चोल, तो इंपीरियल चोल की स्थापना कौन करता, बिजले। हूँ नैक्सट करा आप पांड्या, पहला करे आप चोल हूँ करा पांड्या। दूसरी जी साउथ इंडियन डायनेसिटी सी वह सी पांड्या, ये आप जी प्राचीन की गल कर रहे हैं। पांड्या ये 560-590 ईस्वी जी पांड्या की स्थापना हुई। स्थापना की किने, वह नाम से कंडूगाउन। संस्थापक कौन सी, यदा संस्थापक कंडूगाउन। जे अगली गल करिए आप दी राजधानी की, तो राजधानी कड़ी से इन्हों की मदुरई। राजधानी मदुरऊ सी, संस्थापक कौन सीगा कंडूगाउन। जे इन्हों के इतिहास सोमे की गल करिए कि पांड्या के इतिहास बारे किहड़े ग्रंथ तो पता लगता, तो वह ग्रंथ किहड़ा सीगा, सिल्फ कादी शिल्पलादिकरम। हुण ये जिहड़ा ग्रंथ सीगा इहदे विच लिखिया ये पांड्या दे टाइम गया, पर इहदे विच हुण जिहड़ा चेर राजा सीगा, चेर राजा इस ग्रंथ का हीरो सी, और इहनू मारन वाला कौन सीगा, पांड्या वंश का राजा सी। हुण चेर का राजा सी जिहड़ा, उहदा चेर दे राजे का नाम की सीगा, कोवालन। की नाम से चेर का राजा जिहड़ा हीरो है इस ग्रंथ का, उहदा नाम की है, कोवालन। और जिहड़ा इहनू मारन वाला सीगा उहदा नाम सी नंदू चेरियन। की नाम सी उहदा, नंदू चेरियन। पांड्या वंश एक बार भी, ये भी जिहड़ा वंश है गुप्त साम्राज के टाइम, एक बार ये भी वंश की है डिकलाइन हो जाता है, फिर दोबारा एक ही है मडीवल जिहड़ा गा अपना इतिहास है उहदे विच दोबारा फिर एक उभर के आउंदा है राज पांड्या दा। उह किहदे अधीन आउंदा, वार गुनारामा 1613 तो 1618 ईस्वी ईस्वी विच, वार गुनारामा जिहड़ा इहदा संस्थापक आ उहदे अधीन जिहड़ा दोबारा फिर पांड्या जिहड़ा की है उभर के अगे आउंदे ने, और ये डायनासिटी द्वारा फिर जी है पांड्या की उभरती और चलती है 13वीं-14वीं सदी तक जी है ये डायनासिटी अपने छोटे छोटे राज्यों नूं लैके उत्थे राज करती रहिंदी है। नैक्सट करांगे आपां चेर, नैक्सट जिहड़ा अगला आप वंश करांगे तीसरी साउथ का वो है चेर वंश। हुण चेर वंश का संस्थापक कौन सी, सब तो पहले इहदी राजधानी कहड़ी सी, फिर संस्थापक कहड़ी सदी विच उभर के आया है जिहड़ा डायनेसिटी है उहदे बारे करांगे आप। सब तो पहला इहदी राजधानी कहड़ी सी, करूर। इहदी राजधानी का नाम की सी, करूर राजधानी सी इहदी, ठीक है। जे इहदे संस्थापक की गल करी जाए तो उदयन जिराल, संस्थापक का नाम की सी, उदयन जिराल संस्थापक सीगा चेर वंश का। सदी कि दूजी तो तीजी सदी
ईस्वी में जी ये की है वंश उभर के आया सामने साउथ इंडिया का। और तीसरी चौथी सदी के चौथी पंजवीं सदी जो समुद्र गुप्त आता है उन्होंने दसा कि तिने डायनेस्टियां कौन खत्म करता अगे भारत का नपोलियन समुद्र गुप्त जिदे समय में आप सुनहरी युग भी कह दें वो की करता संपूर्ण भारत उपर अपना की है कब्जा कर लैंदा संपूर्ण भारत वो अधीन आ जाता। तो यह चेर वंश चोल वंश से पांड्या वंश की है उस समय की होंगे इन्हों का तिना डिकलाइन हो जाता। उस तो बाद जो दोबारा फिर शुरू हों वो है पोस्ट संगमेज। नैक्सट आप करांगे पोस्ट संगमेज। हाँ नैक्सट आप जिहड़ा सी आप पोस्ट संगमेज करांगे उहदे विच किहड़े किहड़े आ जाणगे उहदे विच राष्ट्रकूट आ जाणगे उहदे विच यादव आ जाणगे उहदे विच चालुक्य आ जाणगे। चालुक्य भी जिहड़े तिन्न प्रकार दे होणगे बदापी दे चालुक्य कल्याणी दे चालुक्य ये चालुक्य बारे आप करांगे। उस तो अलावा राष्ट्रकूट हो गए चालुक्य हो गया चोल वंश दुबारा संस्था के बिजरिया के अधीन फिर आऊगा। उस तो अलावा यादव वंश हो गया तो केरला का वंश फिर आऊगा। साउथ इंडियन के जिहड़े छोटे छोटे राज सी आप उन्हां बारे सारा कंप्लीट अगला पोस्ट संगमेज करांगे नैक्सट अगले लैक्चर में। थैंक यू।